धक्का मारा के जाते जमाई धक्का मार मत आगे खाते मास्क जरूरी है, अनावश्यक रूप से भीड़ न लगाए, स्नान करने के पश्चात घाट को छोड़ दीजिए। दो गज दूरी मास्क जरूरी है, सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि मास्क का प्रयोग अवश्य करिए, स्नान करने के पश्चात मास्क का बल अवश्य लगाए, अनावश्यक रूप से भीड़ न लगाए। बहुत अभी मजा आने वाला है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम लोग कल आए थे, आज हम लोग संगम नहाने जा रहे हैं। हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूम के। हम लोग यहाँ पहली बार आए हैं इसलिए बहुत मज़ा आ रहा है। अब तो रोज ऐसे ही आएंगे कभी कभी। आयुषी शुक्ला। अच्छी व्यवस्था है योगी जी, बहुत अच्छी व्यवस्था है, हम तो बहुत खुश हैं योगी जी से। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। आप लोगों को योगी जी ने पुष्पवर्षा कराया है क्या? बहुत अच्छा लगा, हम लोग पहली बार मौका मिला है ऐसा। रुचि गुप्ता। देखिए माघ मास का आज माघ मास पूर्ण हो रहा है, माघी पूर्णिमा का स्नान चल रहा है विभिन्न स्नान घाटों पर और संगम तट पर। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्नानार्थी आके स्नान कर रहे हैं। इनकी सुरक्षा के लिए व्यापक बंदोबस्त, विभिन्न जो हमारे चार पर्व और पहले हुए हैं उसी के अनुरूप सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। जल पुलिस सारे स्नान घाटों पर लगी हुई है, फ्लड कंपनीज के गोताखोर जवान और कुशल तैराक सारे स्नान घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग के साथ साथ लगाए गए हैं। इसके अलावा सिविल पुलिस, हमारी पीएसी के जवान, एटीएस के कमांडोज, आरएएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, यातायात पुलिस के लोग, घुड़सवार पुलिस के लोग, सभी लोग लगातार सक्रिय हैं और मेला सुचारू रूप से चल रहा है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पूरे मेला क्षेत्र पर नज़र रखी जा रही है।
और इस प्रकार ये आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नानार्थी सुरक्षित रूप से स्नान करके वापस जा रहे हैं। कल्पवासी भी आज उनका अंतिम स्नान है, उसके बाद भी हम लोगों ने व्यापक व्यवस्था कर रखी है जिससे कि वो अपने इस पूरे माघ मास के प्रवास के दौरान सुरक्षित स्नान के उपरांत अपने गंतव्य को वापस जा सकें। सर, आज कुछ पुष्प वर्षा का भी कोई इंतजाम किया गया है? अभी ये मेरे संज्ञान में नहीं है और इस प्रकार जो हमारे सारे पुलिस के बंदोबस्त हैं वो समुचित ढंग से सुनिश्चित किए हैं। प्रयागराज में चलने वाले माघ मेले का आज एक तरीके से आखिरी दिन है। आज से एक महीने पहले शुरू हुआ कल्पवास आज के स्नान के साथ खत्म होने को है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ संगम तट पर एवं संगम के आसपास के क्षेत्रों के घाटों पर उमड़ती चली आ रही है। माना यह जा रहा है कि आज के दिन लगभग 10 से 12 लाख लोगों का स्नान का महत्व है। माघी पूर्णिमा के इस स्नान का बड़ा महत्व माना जाता है और यह माना जाता है कि पूरे महीने भर जो कल्पवास चलता है आज उसकी समाप्ति भी है। यूं तो यह मेला भी शिवरात्रि तक चलेगा, लेकिन उसके बावजूद आज से बहुत से कल्पवासी अपने घर की ओर भी प्रस्थान करना शुरू कर देंगे। सुबह सवेरे से श्रद्धालुओं ने संगम के पावन जल पर डुबकी लगाई, शिव जी की पूजा की और शिव जी को अर्घ देकर उन्होंने अपने कल्पवास के व्रत को पूरा किया। माघ के इस मेले को बहुत ही महत्व दिया जाता है और इस महत्व का अंक आज मेरे बगल में खड़े इन सुरक्षा कर्मियों के साथ भी देखा जा सकता है जिन्होंने अथक प्रयास से अपने इस मेले को संरक्षित किया है, सुरक्षित किया है। ये वो एक लोग हैं जिन्होंने कोई संगम में डुबकी नहीं लगाई, लेकिन इन्होंने कल्पवास का पूरा पालन किया और इनका यही मानना है कि मेरी ड्यूटी ही मेरा सब कुछ है। महेंद्र जीत बनर्जी।